नमस्कार, मध्य प्रदेश का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नगर निगम चुनाव की आहट के चलते शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में वार्ड 28 के भाजपा नेता दिनेश भारती ने अपना जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता व भाजपा की जिला मंत्री श्रीमती कृति गुप्ता ने उन्हें शुभकामनाएं दी। अरे भाई, दिनेश भारती जी का जन्मदिन है। आप देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह है। मैं तो देख रही हूँ बच्चों में बहुत उत्साह है। वो ऊपर से घरों के ऊपर से हम लोग के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मैं बस आज के दिन अपने भाई को बस यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें और बहुत तरक्की करें, बहुत उन्नति करें। हमारे भाई दिनेश भारती का आज जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही परिश्रमी कार्यकर्ता हैं, मंडल के महामंत्री हैं और बड़े आप देख रहे हैं उत्साह के साथ क्षेत्र की जनता उनका जन्मदिन मना रही है। जबलपुर में 54वीं राष्ट्रीय सीनियर वर्ग खो खो प्रतियोगिता में पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना था कि खो खो प्रतियोगिता का जबलपुर में संपन्न होना गौरव की बात है। वहीं खो खो एक ऐसा खेल है जो कि हम सभी ने बचपन में खेलते आ रहे हैं। वहीं राजनीति और खेल प्रतियोगिताओं में संबंध में उन्होंने बताते हुए कहा कि खेल और राजनीति में एक की हार और एक की जीत होती रही है, पर ऐसे में हार जीत को छोड़कर आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के बाद एक व्यक्ति जीतता है, एक व्यक्ति हारता है। ऐसे एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, लेकिन दोनों में मित्रता कायम रहती है। दोनों को एक दूसरे के दिल से नहीं अलग होना चाहिए। जहाँ तक खो खो की बात है तो खो खो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति ने बचपन में ये गेम खेला है। ग्वालियर में 4 दिन पहले गोला का मंदिर चौराहे के नजदीक शराब की दुकान के सामने सरेआम गोलियां चलाकर दहशत फैलाने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। क्षेत्र में वर्चस्व और रंगदारी के चलते 2 गुटों में ये खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें 2 युवक गोली लगने से घायल हुए थे जबकि 1 को लाठी लगने से वो भी घायल हुआ था। 3 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में मनोज रजावत, मोनू सिकरवार, रवि भदौरिया अमित और गौरव को गिरफ्तार किया है। तारीख को थाना झांसी रोड अंतर्गत एक हत्या हुई थी जिसमें कि मृतक जो है इसको गोलियां मारी गई थी और साथ ही पत्थर मारे गए थे। बाद में इसका जो बॉडी है इसकी शिनाख्त मुरैना के एक हिस्ट्री शीटर के रूप में हुई जिसके ऊपर 23 अपराध कायम थे। FIR 5 नामजद लोगों के खिलाफ कराई गई थी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए झांसी रोड और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 3 कट्टे और 1 पिस्टल बरामद की। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुना ने राज्य शासन द्वारा देश के अन्य राज्यों में व सीमावर्ती राज्यों में COVID-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है। पूरे प्रदेशवासियों को कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए उन्हें गाइडलाइन से वाकिफ कराया गया और उनका सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए। 31st की रात न्यू ईयर ईव पे पुलिस द्वारा व्यापक व्यवस्था जो है वो लगाई जाएगी जिसमें कि सुनिश्चित किया जाएगा किसी प्रकार का कोई हुड़दंग ना हो। इस संबंध में कहना चाहूँगा कि थानों में पहले ही जितने भी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स, इन सब की बैठक हो चुकी है जिसमें उनको कोरोना कर्फ्यू जो रात में 11 से प्रातः 5 बजे तक लागू रहता है उसके संबंध में उनको अवगत करा दिया गया है और उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो इसका पालन करें। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में पिछले वर्ष कई विकास कार्य और कई सौगातें नगर को मिली थीं, लेकिन पर्यटन के हिसाब से प्रशासन द्वारा नगर के सौंदर्यीकरण के लिए कई कार्य किए गए हैं। नगर में सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन द्वारा CCTV कैमरे भी लगवाए गए हैं। वहाँ पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए हम लोग के द्वारा बोट का तय किया गया नगर पालिका के माध्यम से। तो अभी 2 बोट आ गई हैं हमारी और 2 बोट हम लोग और बुलवा रहे हैं मुंबई से। और हम लोग का प्लान है कि जैसे 1 फव्वारा यहाँ पर लगवाया है छोटे तालाब में, 1 फव्वारा लगवाने का और प्रयास करेंगे हम लोग।
कुत्ते के काटने से आग बबूला हो गए एक चाचा भतीजा ने उसे गोली मार दी। गोली कुत्ते के पैर में जा लगी और वह घायल हो गया। गोली चलने से मोहल्ले में दहशत फैल गई, जिसके चलते पुलिस को भी खबर कर बुला लिया गया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो कुत्ते की मालकिन का कहना था कि गोली पड़ोसी ने चलाई है। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। हाँ, विजयनगर आमको में ये दो पड़ोसियों का कुत्ते के काटने पर से विवाद हुआ है, जिसमें कुत्ते को गोली चलाने की सूचना है। इसकी तस्दीक की जा रही है, फरियादी की रिपोर्ट पर अभी कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों का नाम था यार? फरियादी जो भी लिखाएंगे जिनका भी हाथ होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुत्ते के काटने का विवाद है। आज ब्लॉक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले दिन हुए सिंघोड़ी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व भाजपा के कार्यकर्ताओं में हुई हिंसक झड़प में एक आदिवासी युवक कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई थी, जिसके विरोध में ब्लॉक के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम बिछुआ तहसीलदार दिनेश उइको को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई करने की मांग भी की। धर्म रक्षा सेना के तत्वाधान में 22 दिसंबर से 29 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा व योग शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कथावाचक पंडित श्री नवीन दुबे ने अपने मुखारबिंद से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। कोरोना काल में हमारे क्षेत्र में जो भी लोग दिवंगत हुए थे उनकी आत्म शांति के लिए धर्मरक्षा सेना ने संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया था। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा तरन तारण की कथा है, और इसी उद्देश्य से हमने ये भागवत कथा का आयोजन किया था। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के तत्वाधान में हर साल मनाए जाने वाले मांडव उत्सव का शुभारंभ पर्यटन व आध्यात्मिक मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर, उद्योग मंत्री राजवर्धन दतिगांव, धार सांसद छतर सिंह दरबार व धार जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में इस वर्ष विशेष आकर्षण माँ देवी माँ नर्मदा की विशेष आरती रही। इसी कड़ी में कई मनोरंजक कार्यक्रम भी पेश किए गए। सभी पर्यटकों को सादर आमंत्रित करते हैं कि मांडव आए और इस पावन प्राकृतिक अद्भुत सौंदर्य से सजी हुई नगरी का आनंद उठाएं। ऐतिहासिक पुरातात्विक इस नगरी मध्य प्रदेश के बिछुआ में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और इससे निपटने के लिए तहसील कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार दिनेश उइके ने बताया कि प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है वो रहेगा। आने वाले समय में लोगों को मास्क व दूरी बनाए रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। आगामी दिनों में 15 से 18 वर्ष उम्र तक के छात्र छात्राओं को वैक्सीन भी लगाई जाएंगी। गाइडलाइंस का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा के समीप सिंघोड़ी में प्रदेश सरकार का पुतला जलाने पहुंचे युवक कांग्रेस कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता भिड़ गए। पहले दोनों ओर से नारेबाजी हुई, फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के एक दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए। कार्यकर्ताओं को खदेड़ने पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया, बावजूद इसके प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो सफल रहे। पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 4-4 लोगों के खिलाफ बलवा तोड़फोड़ व मारपीट का मामला दर्ज किया है। पूरी व्यवस्था थी, पुलिस की व्यवस्था थी। एक पक्ष जो है वो था इस चीज़ को लेकर के कि पुतला दहन नहीं होने देंगे। जिस पक्ष की तरफ से कांग्रेस की तरफ से जो था पुतला दहन का कार्यक्रम, हमने उनको रोकने का प्रयास किया, नहीं रुके वो, और दोनों पक्षों से पथराव हुआ है। और इसमें जो है अभी एक पक्ष आया है, उनने आवेदन दिया है, उनकी तरफ से जो लोग घायल हुए हैं उनको मेडिकल के लिए भिजवाए हुए हैं, उनकी तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ हम मामला कायम कर रहे हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, और उसमें देखेंगे, चिन्हित करेंगे जिनकी तरफ से पथराव हुआ है,
उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे हम, गिरफ्तारी भी होगी उनकी, उनके नाम भी मामले में खोलेंगे, और अगर दूसरा पक्ष आता है उनके तरफ से कोई घायल होंगे तो उनका भी मेडिकल कराएंगे और उनकी तरफ से भी मामला कायम करेंगे। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।